खेसारी लाल यादव को चाहिए पवन सिंह का सहारा। जी हाँ, तो चलिए आज हम जरा आपको इस बारे में बता दें। आपको याद है डोली में गोली मार दे वाला सॉन्ग, जहाँ पर पवन सिंह का नाम यूज़ हुआ था, और अब पिछले दिनों ही रिलीज़ हुआ पवन सिंह पेंडिंग में, खेसारी ट्रेंडिंग में, गाना भी आप लोगों ने सुना। अब खेसारी का नया गाना आ रहा है, लड़की पटाना है, हिंदी सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग है। ज़ाहिर अख्तर ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, तो विनायक ने इसका म्यूज़िक दिया है। अब हम आपको एंगल समझाते हैं। विनायक वही हैं जिन्होंने लॉलीपॉप लागलू का म्यूज़िक दिया है। अब हम आपको ये बता दें, तो आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव कुछ एक दो दिन पहले लाइव आए, और वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को फटकार लगाई जिन्होंने पवन सिंह का नाम पोस्टर में यूज़ किया। खेसारी ने ये कहा, गाना तो ऐसा था ही नहीं, लास्ट में हमारे भोजपुरिया में चलन होता है कि लिरिक्स राइटर अपना नाम डालता है, तो पवन पांडे ने अपना नाम डाल दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पवन भैया मेरे भगवान हैं। आप लोगों ने सभी ने वो लाइव देखा होगा, नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी खेसारी लाल यादव ने। किस लिए? क्योंकि उनका हिंदी सॉन्ग आ रहा है, समझ जाइए, हिंदी सॉन्ग आया है, आ रहा है, लड़की पटाना है। आपने देखा होगा 31 तारीख को आ रहा है, पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है, और पोस्टर में बहुत ही खूबसूरत मॉडल हैं, और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव हैं। अब भाई, ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव पंगा लेते हैं पवन सिंह से, तो पवन सिंह के फ़ैन ऐसा नहीं हैं कि खेसारी लाल यादव के गाने नहीं देखते हैं, उनके गाने पवन सिंह के फैंस ज़रूर देखते हैं। अब ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव पंगा लेते हैं पवन सिंह से, और पवन सिंह का नाम इस तरह से स्पॉइल करते हैं, तो पक्का है कि पवन सिंह के फैंस उनके गाने का विरोध करेंगे, उनके गाने पर रिपोर्ट मारेंगे, जो कि खेसारी लाल यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पहले हिंदी सॉन्ग के साथ ऐसा हो, क्योंकि खेसारी लाल यादव का गाना भी ट्रेंडिंग में आना चाहिए, जिस तरह पवन सिंह का पहला हिंदी सॉन्ग आया था कमरिया हिला रही है। आपको तो याद ही होगा कि लगभग 2 से 3 दिन तक वो ट्रेंड कर रहा था पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर, और अब ऐसे में अगर खेसारी का गाना ट्रेंड नहीं किया और कुछ उसके साथ ऊपर नीचे हो गई, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान पवन सिंह के फैंस का हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह के फैंस तो मूड बनाकर बैठे हुए हैं। जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का नाम यूज़ कर लिया है गाने में, अब पवन सिंह के ऊपर खेसारी बड़ी ही सफाई देते जा रहे हैं कि वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो भोजपुरी के स्तंभ हैं, उनसे भोजपुरी आगे बढ़ने वाली है, बहुत कुछ किया है उन्होंने भोजपुरी के लिए, लेकिन फैंस हैं कि समझने को तैयार नहीं। अब ऐसे में अगर पवन सपोर्ट में आते हैं, तो खेसारी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा, और ऐसे में अगर पवन लाइव आकर खेसारी को बेस्ट ऑफ विशेस देते हैं, जैसा कि पवन जब आए थे अपना हिंदी सॉन्ग लेकर, तो किसी की बेस्ट ऑफ विशेस तो नहीं आई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था। अब ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में पवन सिंह आ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात खेसारी लाल यादव के लिए होगी, क्योंकि अगर पवन सिंह अपील भी कर दें, तो खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंड तो ज़रूर ही करेगा। तो पवन सिंह के फैंस खेसारी के पहले हिंदी गाने पर रिपोर्ट नहीं मारेंगे, लेकिन अगर खेसारी के सपोर्ट में पवन सिंह नहीं आते हैं और अपने फैन से अपील नहीं करते हैं, तो ये खेसारी के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। वैसे भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह से इसके लिए बात की है, और इतना जो गुडी गुडी थिंग्स उन्होंने अपने लाइव में बोला है, ये सब कुछ पवन सिंह को अपनी तरफ करने के लिए ही उन्होंने किया है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ वो कभी नहीं बोलेंगे। अब आप में से कितनों ने गौर किया कि जब लोटस पे ये गाना रिलीज़ हुआ था, उस गाने के जो थम को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, तो वैसे ही रिलीज़ किया गया था,
खेसारी रहे ट्रेंडिंग में, पवन रहे पेंडिंग में, लेकिन जब आप गाना सुनने जाएंगे, ऑडियो सुनने जाएंगे, तो उसके अंदर का जो थंब था, वो जो उसके अंदर का पोस्टर था, उसे चेंज कर दिया गया था। भी इसके लिए पवन के फैंस ने खेसारी पे बड़ा गुस्सा उतारा था, लेकिन खैर खेसारी के लाइव आ जाने पर पूरा मामला शांत हो गया था। जी हाँ, अब इस रिपोर्ट के बाद भी खेसारी के फैंस का गुस्सा तो हमारे चैनल पर बरसने ही वाला है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।